ओके, तो ऐसा क्या हो गया, काफी शॉकिंग था आध्या को आपको थप्पड़ मारना, तो क्यों था, ये सब सीन के बारे में जानना चाहिए। एक्चुअली ये हमारी मेरी बर्थडे पार्टी चल रही है और आध्या का एक गेम का आइडिया होता है जहाँ ये शर्त होती है कि जो हारेगा उसे सज़ा खानी पड़ेगी हाथों की। तो मैं कुछ क्विज हार जाता हूँ और आध्या को बेसिकली बैक ऑफ द माइंड एक थप्पड़ लगाना होता है, बट वो गेम की सज़ा के हिसाब से मार देती है और सब लाइट वे में ले लेते हैं, जबकि मुझे समझ आ जाता है कि बैक ऑफ द माइंड ये कुछ मोटिव था इसका। एंड दिस इज़ द सीक्वेंस दैट वी आर शूटिंग जहाँ आध्या मेरे बारे में सब रिवील कर देती है। अगर देखा जाए तो आध्या को काफ़ी कुछ मालूम पड़ गया है जिससे आप काफ़ी शॉक्ड हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो जान पाएंगे? आध्या तो बहुत कुछ जानती है और ये पूरा जो हम सीक्वेंस शूट कर रहे हैं ये उसी के बारे में कि वो कैसे जानती है। एंड एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस आप देखेंगे तो आपको बहुत पता चलेगा, बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा है कि कैसे उसे पता चलता है कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कहाँ से उसे पता चला। तो आई थिंक इसके लिए आप एपिसोड देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लास्टली सम्राट के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि थप्पड़ है उसका बदला तो जरूर लेंगे। सम्राट थप्पड़ का बदला तो जरूर लेगा, बट अभी फिलहाल उसके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि इतने सवालों का जवाब इसे पता कैसे था, उसे कैसे पता कि मुझे कहाँ का पॉपकॉर्न पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, कहाँ उठना बैठना पसंद है, कौन सी फेवरेट जगह है, क्योंकि सम्राट ने तो कभी बात ही नहीं की उससे। तो आई थिंक सम्राट ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और फिर थप्पड़ पे भी आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।